पूरा रामायण एनिमे का स्क्रीन प्ले उन्होंने कॉपी किया था जैसे आप देख सकते हैं। और आप लोग चाहते हो कि हमें ग्लोबली रिस्पेक्ट मिले, ऐसे मिलेगी क्या हमें रिस्पेक्ट? एंड देन इंडियंस गॉट इन्वॉल्व्ड और उसको भी बैन कर दिया गया। आज अगर आप देखोगे ना, इट्स टोटली शिट। सो व्हाई डोंट इंडिया डिजर्व एनिमे? जिनको पता नहीं है, एनिमे इज अ जैपनीज स्टाइल ऑफ एनिमेशन, बट इंडिया और एनिमे का क्या रिलेशन है और इंडिया एनिमे को क्यों डिजर्व नहीं करता? इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा पीछे, बहुत बहुत ज्यादा पीछे। एनिमे एंड इंडिया गोस वे वे बैक। कितनों को तो पता भी नहीं होगा कि जंगल बुक जो गाना हम बचपन में गाते थे, जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, ये भी एक एनिमे है। मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे लगता था कि ये एक इंडियन प्रोडक्शन है। और जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने इंडिया के प्रोडक्शंस देखे जैसे ये, तो मुझे डाउट होने लगा कि ये इंडिया का तो नहीं हो सकता। और जैसे मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि जंगल बुक एक एनिमे है। जंगल बुक के बाद एक लेजेंडरी एनिमे आया विच वॉज बेस्ड ऑन द इंडियन एपिक रामायणा, रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। इसके कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट मुझे आज भी याद है लेट 90s में मेरे मामा के घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे मैंने ये एनिमे देखा था। और तब मुझे देखते समय ये लगा कि आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस एवर बिफोर। जापान एंड इंडिया हैव कोलैब्ड ऑन सम एपिक प्रोजेक्ट्स, बट सबसे एपिक मेरे ख्याल से है रामायणा। जापानीज एनिमेशन और उसके ऊपर ब्यूटीफुल इंडियन सॉन्ग्स जो मैं आज भी सुनता हूँ, उसके साथ लेजेंडरी एक्टर्स का वॉइस डब जैसे अमरीश पुरी एज रावण, अरुण गोविल एज राम, दिस कॉम्बिनेशन मेड दिस मूवी लेजेंडरी। आई कैन सेफली से दिस इज माय मोस्ट फेवरेट मूवी एवर। आई मेक श्योर कि मैं ये मूवी हर दिवाली और दशहरा पे देखूं। ऑल्सो जंगल बुक का कोलैब भी कोई भूल नहीं सकता, नाना पाटेकर एज शेर खान, इसको कौन भूल सकता है। और वो सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग, आई स्टिल गेट गूसीज ऑन माय हैंड। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं कि कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट एनिमेशन बना, तो जापान पक्का टॉप करेगा। बट क्यों? बचपन में मैं एक कार्टून देखता था, हाइडी द गर्ल ऑफ द एज, जो एक एनिमे है, वो भी मुझे अभी हाल ही में पता चला था। एंड आई वॉज सो इन्वॉल्व इन दैट, मुझे लगता था कि मैं हाइडी के साथ ही हूँ, वो माउंटेन्स के ऊपर, मैं भी हाइडी के घर में रहता हूँ, हाइडी के घर से बाहर निकलूंगा तो वो एक ट्री आएगा ह्यूज, एंड आई कैन फील द ब्रीज गोइंग थ्रू द लीव्स ऑफ दैट ट्री। आई नेवर फेल्ट दैट वे फॉर एनी अदर कार्टून, बट व्हाई? एनिमे टेक्स यू टू अ फैंटेसी वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द माइंड ब्लोइंग स्टोरी टेलिंग। जैसे दादी थी ना बचपन में, जब हमें कहानी सुनाती थी और हम उस जादुई दुनिया में चले जाते थे, एनिमे सेम इफेक्ट देता है। मैं कहानी कहना चाहूंगा। अ फ्यू इयर्स बैक मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ माय जॉब एंड आई शिफ्टेड टू केरला। आई वाज रियली रियली लोनली एंड वेरी स्केर्ड, बट रात में जब मैं स्टूडियो जिबली की मूवीज देखता था, आई समहाउ एग्जिटेड दिस स्केरी वर्ल्ड एंड आई फॉरगॉट ऑल अबाउट माय वरीज फॉर अ व्हाइल। गाइस, स्टोरी टेलिंग एक पार्ट है, बट एनिमे का एनिमेशन इज ऑन द नेक्स्ट लेवल मैन। Japanese animation has an eye for detail. वो shortcuts कभी नहीं लेते and make sure कि each and every detail is captured. उनका खास ध्यान physics पे होता है, जैसे how will hair react to wind, कपड़े wind को, air को कैसे react करेंगे, body movements कैसे realistic होंगे, जबकि वो एक cartoon है। वो अपने background पे भी बहुत ध्यान देते हैं and get all the details. यहाँ आप देख सकते हो anime का background और western cartoons का background. और इंडियन कार्टून्स का तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, सो लेट्स स्किप दैट। उनके ह्यूमन मॉडल्स लाइफ लाइक होते थे एंड इट वाज हैंड ड्रॉन। डिजिटल एनिमेशन और ट्रेडिशनल आर्ट का डिफरेंस आपको एनिमे में पता चलेगा। रामायणा एंड मोगली मोटिवेटेड मी टू ड्रॉ। मुझे आज भी याद है, जब भी मैं बीच पे जाता था तो सैंड में मैं मोगली निकालता था। मेरे कजिन भाई बहन के घर पे जब मैं गया था तो मैंने उनके डोर पे मोगली निकाल दिया था। इंडिया ने कभी एनिमे को रिस्पेक्ट नहीं किया, विच इट डिजर्व्स। इंडिया को वैसे भी हर चीज बैन करने की आदत है विदाउट इवन वॉचिंग द कंटेंट। रामायणा द एनिमे इज द बेस्ट अडैप्टेशन ऑफ रामायणा एवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। इट वॉज सेट टू रिलीज इन इंडिया बट
कुछ लोगों को ऐसे लगा कि रामायण को कार्टून में नहीं दिखा सकते, इसलिए रामायण बैन हुआ था। बट बस वो मूवी को देखो यार, इतनी प्यारी मूवी है, इतना प्यारा रामायण दिखाया गया है कि आई एम इन लव विद दैट मूवी। फिर आया सिंचैन। एज अ किड आई वाज अ ह्यूज सिंचैन फैन। जब भी मैं स्कूल से आता था और सिंचैन लगाता था और सिंचैन का टाइटल सॉन्ग लगता था, एंड व्हाइल सिंगिंग दैट टाइटल सॉन्ग मुझे ऐसे लगता था कि दुनिया में कोई वरीज है ही नहीं और मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। Those were the days when episodes were raw, uncensored, and let me add, funny. And then Indians got involved, और उसको भी ban कर दिया गया। आज अगर आप सिंचैन देखोगे ना, it's totally shit. Banning and censoring has always kept beautiful things away from us Indians. And what we got instead? छोटा भीम और मोटू पतलू। Stories में, animation में कोई efforts नहीं होता इनके। एंड लेट मी एड, फॉर रिसर्च पर्पस मैंने छोटा भीम देखा। क्या क्या करना पड़ता है तुम लोग के लिए, और तुम लोग लाइक भी नहीं करते, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एनीवेज, छोटा भीम वो एपिसोड था रामायण के ऊपर, तो मैंने देखा ऐसे रिसर्च के लिए, एंड द कंप्लीट स्क्रीन प्ले ऑफ रामायण द एनिमे वॉज कॉपीड हियर। पूरा रामायण एनिमे का स्क्रीन प्ले उन्होंने कॉपी किया था, जैसे आप देख सकते हो। शॉर्टकट्स लेने की भी कोई हद होती है, इतना शॉर्टकट्स लोगे, इतना कॉपी करोगे, और आप लोग चाहते हो कि हमें ग्लोबली रिस्पेक्ट मिले, ऐसे मिलेगी क्या हमें रिस्पेक्ट? ये जो मैंने ड्राइंग किए, इनमें मैंने वो एनिमे को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है विच एक्चुअली शेप्ड मी एज एन आर्टिस्ट। दिस एनिमेशन मोटिवेटेड मी टू ड्रॉ। जब मैंने रामायण, मोगली, सिंचैन देखा, उनका एनिमेशन देखा, इट मोटिवेटेड मी टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन। ये सारे एनिमे होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। दिस पार्ट ऑफ एनिमे इज व्हाट आई लव। अब आपको लगेगा कि आपके फेवरेट एनिमे को मैंने मेंशन ही नहीं किया, वो आप लोग कर दो कमेंट सेक्शन में। 60% ऑफ माय सब्सक्राइबर्स आर एनिमे फैंस, सो कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को सजेस्ट करो कि कौन सा आपका फेवरेट एनिमे है और कौन सा एनिमे देखना चाहिए। आई विल बी गिविंग अवे दिस आर्टवर्क एंड दिस डीवीडी ऑफ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। ये जो मैंने 0101 लिखा है, दैट मीन्स दिस इज दी ओनली पीस इन द वर्ल्ड विच इज हैंडमेड बाय मी। अगर आपको ये आर्टवर्क और ये डीवीडी जीतनी है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस थ्री सिंपल स्टेप्स, जस्ट थ्री सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टेप नंबर 2 इज लाइक द वीडियो। स्टेप नंबर 3 इज स्पैम द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स कर दो, जितने आप ज्यादा कमेंट्स करोगे उतना आपका जीतने का चांस बढ़ जाएगा। एंड आई विल रैंडमली चूज वन विनर व्हेन आई रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स, एंड आई विल शिप दिस टू थिंग्स टू यू। Hey guys, I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please like and subscribe to the channel. अगर आपको और भी एनिमे के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको इंडिविजुअल एनिमे के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। Also, my next video is going to be really, really challenging. मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 month लगेगा। It will be more realistic than any of my previous videos. अगर आपको मेरे previous realistic videos देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। Or I hope you enjoyed the video. I'll see you the next time. Bye-bye and take care.